गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स देखे थे, इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे थे। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू यूज़र्स है, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी उसी के आगे के हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। जैसे सब एक हमारा पूंजीगत वस्तुएं, वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और उपभोक्ता वस्तुएं भी देखी थी। एक बार हम पूंजीगत वस्तु को प्रॉपर समझ लेते हैं, क्या होती है कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट फॉर प्रोड्यूसर, दीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर मैनी ईयर्स एंड इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। मतलब वो गुड्स, वो वस्तुएं जो उत्पादक एक प्रोड्यूसर किस लिए लेके आता है, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, और उसका वो कई सालों तक यूज़ करता है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक। और उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो जो ऐसे गुड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ईजिली समझ आ जाएगा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, जो स्थिर संपत्ति, जो भी एक कंपनी का ओनर लेके आ रहा है, प्रोड्यूसर लेके आ रहा है उत्पादक, तो वो हमारी कौन सी एसेट्स है, हमारी फिक्स्ड एसेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं, ठीक। इसके मेन तीन पॉइंट्स हैं। पहली चीज, इनकी कॉस्ट बहुत हाई होगी, इनकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। दूसरा, ये कई सालों तक यूज़ होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो समझ गए, इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यूज़ फॉर मैनी ईयर, कई सालों तक इसका यूज़ किया जाता है। और यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए उसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक कंपनी है, वो एक कंपनी एक मशीनरी लेके आई, तो वो क्या है, उसके लिए पूंजीगत वस्तु है। अगर वो उससे गुड्स बना के फिर क्या करेगी, आगे बेचेगी, ठीक। एक किसान है, वो एक ट्रैक्टर लेके आया, तो उसके लिए क्या है, वो पूंजीगत वस्तु है। क्यों, वो उसे बेचने के लिए नहीं लाया, ठीक। दूसरा पॉइंट, उसकी कॉस्ट भी हाई है, और उससे क्या करेगा, फसल उगाएगा उसकी हेल्प से जो है। तो तीनों चीज़ें हो रही है पूरी। मान लो आप, वो किसान जो है ट्रैक्टर का एक नट लेके आया, तो उस नट का भी यूज़ कई सालों तक यूज़ होगा, उसके अलावा वो भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बट उसकी कॉस्ट क्या नहीं है, हाई नहीं है, उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो कौन सी वस्तु नहीं है, पूंजीगत वस्तु नहीं है, उसको हम एक नॉर्मल क्या मानेंगे, खर्चा मान के चलेंगे, ठीक। तो अगर तीनों चीज़ें पूरी होती है तो क्या होता है, हमारा पूंजीगत वस्तु। अब इसमें एक पॉइंट है जो बोला गया कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सभी जो कैपिटल गुड्स है, कोई भी पूंजीगत वस्तु है, वो उत्पादक की वस्तु तो होती है, प्रोड्यूसर ही लेके आता ताकि क्या करे, वो गुड्स का प्रोडक्शन करें, तो उत्पादक वस्तु तो है ही, बट सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो कच्चा माल भी लेके आता है, ठीक, सामान लेके आता है बेचने के लिए, तो वो क्या नहीं है, उसकी पूंजीगत वस्तु नहीं होती, ठीक। तो जो भी वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माल सूची निवेश, कच्चा माल ला रहा है, बना हुआ माल लेके आ रहा है, या आधा बना हुआ माल लेके आया है, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, कोई भी गुड्स लेके आया जिसको बना के या कन्वर्ट करके क्या करेगा, बेच देगा, तो वो होती तो उत्पादक वस्तु है, प्रोड्यूसर गुड्स, मगर क्या नहीं है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कई सालों तक क्या नहीं किया जाएगा, यूज़ नहीं किया जाएगा, उसकी कीमत भी हाई नहीं होती। बेशक इनमें से कोई एक आध कंडीशन वो पूरी कर रहे होंगे, मगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते, ठीक। तो ये पॉइंट आ गया समझ, कि सभी पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तु तो होते हैं, बट सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। मतलब सभी जो प्रोड्यूसर गुड्स हो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, रीज़न उसका यही है
कि जो कच्चा माल या जो सामान बेचने के लिए लेके आ रहा है वो क्या है, उसके प्रोड्यूसर गुड्स है बट क्या नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आ गए आपको समझ। अब आगे के पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा आप अर्न करने के लिए, कमाने के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट लगा रहे हो तो वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। कुछ भी, अगर आप एक समोसा ले रहे हो अपने लिए कंज्यूम करने के लिए तो वो क्या नहीं, हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं। बट आपने 10 समोसे लिए ताकि आप उसको क्या करो, बेच सको, तो वो क्या है, हमारा निवेश है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जो भी पैसा हम खर्च करते हैं अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, वो हमारा क्या, निवेश। ठीक, तो इसमें एक लाइन में इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ए कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए कैपिटल। कैपिटल अगर हमें बनानी है तो उसको करने की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अगर कोई पर्सन जो है वो 1 लाख क्या कर रहा है, एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है किस लिए, ताकि वो रेस्टोरेंट को चलाए और आगे जाके क्या करे, अर्न करे, तो वो क्या है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीगेट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट मीन्स एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट मतलब हो गई आपकी समग्र अर्थव्यवस्था। इसके अनुसार देखें हम तो एक साल में जो भी वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल 1 फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, वो हमारा क्या है, एग्रीगेट, वो है इन्वेस्टमेंट। जितना भी 1 फाइनेंशियल ईयर में जो है हमारा टोटल जो है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या, टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का और सर्विस का, वो जो टोटल है वही क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। और अगर सिंपल हम समझे तो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए कैपिटल, पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कैपिटल। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह की होती है, तो पहले हम एक एक पॉइंट से समझते हैं। तो पहले हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश, जो एक तरीके से हम जो अभी पढ़ रहे थे कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स, वही है ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर निवेश का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट जो एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, किस पे लगा रहा है, कोई भी फिक्स्ड एसेट पे खर्च कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, या उसके रिप्लेसमेंट पे, उसको बदल के नई लाने के लिए अगर खर्च कर रहा है तो हमारी क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, स्थिर निवेश। एक उत्पादक क्या कर रहा है, जो भी आपकी स्थिर संपत्ति है, जो आपने पूंजीगत वस्तु बेचने के लिए नहीं खरीदी, प्रोडक्शन के लिए खरीदी है, उन पे कुछ भी खर्चा हो रहा है तो वो हमारी कौन सा निवेश है, स्थिर या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट मीन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय प्रोड्यूसर इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एक साल में जो भी प्रोड्यूसर ने स्थिर संपत्ति या फिक्स्ड एसेट बढ़ाई है उसका, उसको क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसकी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट है, स्थिर संपत्ति माइनस ओपनिंग फिक्स्ड एसेट, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट, कि जैसे एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 10 लाख की मशीनरी पड़ी हुई है, पूंजीगत संपत्ति जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारे पास 10 लाख की, शुरू में कितनी थी, 2, तो 10 से 2 मतलब जो 8 लाख की है, 8 लाख जो है वो इस साल की क्या, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, स्थिर क्या है, निवेश है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम समझते हैं अब नेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड हो गया, अब हम देखते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब माल सूची निवेश। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर प्रोड्यूसर किस लिए कर रहा है, गुड्स पे कर रहा है, जिसे वो दोबारा रीसेल कर देगा, चाहे वो उसे बना के करेगा, चाहे पैक करके करेगा, चाहे वैसे ही कर दे, वो सारा का सारा क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो माल सूची निवेश इसको कहते हैं। जैसे स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें हम एक 1 पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं। 1 पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय बिंदु पर, एक समय बिंदु पर जितने भी हमारे पास गुड्स पड़े हुए हैं जिसको हम बेचने के लिए लेके आए हैं, वो हमारा क्या होता है,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या माल सूची निवेश। तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर, जैसे अभी 10 बज रहे, तो 10 बजे जो है आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे कोई रेस्टोरेंट वाले सब्जी लेके आए, बेसन आटा ये सारी चीज़ें लेके आए, तो ये सब क्या है, वो बना के आगे बेचेंगे, तो ये सब क्या है, कच्चा माल। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है अर्धनिर्मित, जो आधे बने हुए हैं, आधे बने मगर अभी क्या पूरे तरह से फिनिश नहीं हुए, उनमें कुछ चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे बेच देंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं। और तीसरा होता है फिनिश्ड निर्मित गुड्स। तो फिनिश गुड्स उसे कहते हैं जो कंप्लीट है, बिकने को तैयार है, काउंटर पे रखा हुआ है या गोडाउन में रखा है, बट अभी क्या नहीं है, बिका नहीं है। तो तीनों के तीनों जो सामान होता है वो कौन सा होता है, माल सूची निवेश या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसे अगर कैलकुलेट करना हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो एंड ऑफ द ईयर पड़ा हो, माइनस ओपनिंग, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो जो आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री में परिवर्तन या निवेश में परिवर्तन, माल सूची निवेश में परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सकल निवेश, टोटल निवेश। तो जो हमने अभी दो इन्वेस्टमेंट पढ़ी, एक थी हमारी कौन सी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक थी हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड को क्या बोलते हैं, स्थिर निवेश, और दूसरा क्या है हमारा, माल सूची निवेश। अगर दोनों का सम कर दे तो वो हमारी हो जाती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक अगर प्रोड्यूसर जो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसने 5 लाख क्या किए, फिक्स्ड एसेट में लगाए, स्थिर निवेश किया, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, तो वो उसका कौन सा, स्थिर निवेश। अब 5 लाख का वो सामान लेके आया, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 लाख। जो 5 लाख का सामान लाया वो उसने बेचने के लिए लाया, तो जो टोटल उसने इन्वेस्ट किया है वो क्या है उसका, सकल निवेश या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश। अगला जो है हमारा है नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं शुद्ध निवेश। छोटे छोटे पॉइंट है, नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा, वो अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है हमारी उससे माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, सकल निवेश जो है उससे माइनस कर दे हम क्या, मूल्यह्रास। जो फिक्स्ड एसेट है, या सिंपल बात है, जो हमारी सकल निवेश आया, टोटल जो इन्वेस्ट किया हमने, उसमें से हम वो लेस कर देंगे जो हमारे क्या स्थिर संपत्ति की वैल्यू में जो कमी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लीजिए एक ज्वेलर्स है, उसने 5 लाख की फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग वगैरह खरीदी, 5 लाख का क्या किया उसने, ज्वेलरी वगैरह ली बेचने के लिए। अब एक साल बाद अगर उसके पास ये सामान 10 लाख का ही पड़ा हुआ है, तो जो ज्वेलरी है वो तो 5 लाख में बेच सकता है, मगर जो उसका जो सामान था, फर्नीचर वगैरह, उसकी वैल्यू तो क्या हो गई, समय के हिसाब से कम हो गई। तो जो कमी होती है, चाहे वो समय के जाने से हो रही है, चाहे वो टूट फूट के कारण हो रही है, या कोई और कारण है जिससे उसकी वैल्यू कमी हो रही है, किसकी वैल्यू, स्थिर संपत्ति, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, ठीक, उसकी वैल्यू में जो कमी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं, या डेप्रिसिएशन। ठीक, तो अभी मैं समझाता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है, मगर उससे पहले नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस क्या, डेप्रिसिएशन। तो शुद्ध निवेश निकालना, तो सकल निवेश से क्या माइनस कर देंगे, मूल्यह्रास, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास या घिसावट, मूल्यह्रास। अकाउंट्स में इसकी लगभग डेफिनेशन सेम ही है, मगर हम इसमें इको में बोल सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थिर संपत्ति का उपभोग। कोई भी अगर आपकी फिक्स्ड एसेट है, उसकी अगर वैल्यू कम हो रही है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन।
तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट और फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू टाइम एक्सीडेंट ईटीसी, कोई भी रीजन हो सकता है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब स्थिर संपत्ति का उपभोग, या फिर स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी आना किसके कारण, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या समय बीत रहा है, 1 साल 2 साल आपने एक मोबाइल लिया 20,000 रुपये का, आप उसे 6 महीने बाद बेचो तो कितने में नहीं बिकेगा, 20 में नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो जो कमी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर वो मूल मोबाइल शोरूम में होता तो उतने का ही बिकता, बट हमारे लिए क्या है, वो एक स्थिर संपत्ति, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के कारण जो उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो एक खर्चा होता है, दूसरा होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। इट इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट होगी, स्थिर संपत्ति, उसको रिप्लेस करने के लिए या नई एसेट इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। उसके लिए हमने पैसे बचा के रखने, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। हमें पता है कि हमने फर्नीचर लिया है, 4 साल 5 साल बाद क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसके लिए हम कुछ पैसे हर महीने क्या कर रहे हैं, एक फंड में डाल रहे हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर लें या फिर न्यू कोई एसेट खरीद लें। तो उसके लिए जहां हम पैसे डाल रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं, मूल्यह्रास आरक्षित कोष। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो गए। अब जो हमारा पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। इसका मतलब ये है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू फॉल इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी। कोई भी जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, स्थिर संपत्ति है, अगर उसके मूल्य में कमी आ रही है किसके कारण, डिमांड में कमी आने के कारण या टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण। जैसे मान लीजिए आप कोई गुड्स बेचते थे, उनकी डिमांड क्या हो गई, अब कम हो गई। पहले कोई पर्सन था वो, या जो कोई कंपनी है वो रबड़ के जूते बेचती थी, अब उनकी डिमांड कम होकर लोग लेदर की तरफ चले गए, तो उससे क्या होगा, उसकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में क्या आ गई, कमी आ गई। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। या फिर जो है आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले हम क्या कर रहे थे, टाइपराइटर का यूज़ कर रहे थे, अब उसकी जगह क्या हो गया, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, तो जिसके कारण क्या हो गया, हमारे उनकी वैल्यू में कमी हो गई, जो टाइपराइटर है जो कंपनी उनका यूज़ कर रही थी। तो वो जो रीज़न क्या है, डिमांड में चेंज होना और क्या, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, इनसे अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो उसको हम प्रत्याशित अप्रचलन या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अप्रत्याशित अप्रचलन। इसका मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और डिफ्लेशन। मतलब है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना, स्थिर संपत्ति की वैल्यू में कमी आना किसके कारण, या तो आपके कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल कॉजेज जो प्राकृतिक कारण हो सकता है, कुछ भी, बाढ़ भूकंप जिससे आपकी संपत्ति को नुकसान हो रहा तो उसकी वैल्यू गिर गई, या मंदी छा गई, डिफ्लेशन हो गया। अगर डिफ्लेशन होने के कारण, मंदी के कारण एसेट की वैल्यू गिर गई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का हिंदी में स्टॉक ही बोलते हैं, अब फ्लो को बोलते हैं प्रवाह। तो कोई भी, इट इज मीन मेजर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो चीज़ होती है जिसको तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर अगर उसे माप सकते हो तो वो स्टॉक है। कोई भी चीज़ अगर एक समय बिंदु का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 10:12, तो जो वो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, 11:20, वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। उस टाइम जो उसकी वैल्यू है, उस टाइम जो उसको हम माप रहे हैं, तो वो क्या हमारा स्टॉक है। और जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के बीच में अगर हम मापते हैं उसे, मेजर करते हैं हम उसको, तो वो क्या हमारा फ्लो। जैसे 10 बजे से 12 बजे के बीच 1 घंटा, या 1 साल, या 1 महीना, या 10 मिनट, कोई भी जो अगर पीरियड है, समय अवधि है, तो वो हमारा क्या है, फ्लो है।
और अगर एक बिंदु है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, बिंदु का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, कि एक फिक्स टाइम, उस टाइम अगर हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं तो हमारा क्या होता है स्टॉक, और एक पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें क्या मेज़र करते हैं तो वो क्या होता है फ्लो। जैसे मान लीजिए अगर आप आपकी पॉकेट में जो अभी पैसे हैं आप उसे निकाल के गिनते हो तो वो क्या है स्टॉक है, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे आपने उसे चेक किया तो वो स्टॉक है। आपके जेब में जो 500 रुपये हैं वो स्टॉक है, ठीक। अब आपके पेरेंट्स ने जो आपको पॉकेट मनी दी है उसका 10,000 रुपये दिए या 5,000 रुपये दिए, आप उसको क्या कर रहे हो एक वीक तक यूज़ कर रहे हो, उसमें से कुछ खर्च कर रहे हो, कुछ कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो पूरा का पूरा जो है वो एक पीरियड है। इस महीने 10,000 दिए, अगले महीने 10,000 देंगे, जो 20 का जो टाइम पीरियड है जिसमें आपने एक्सपेंस किए वो क्या हमारा फ्लो है, ठीक। या एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक आपकी जो पानी का टैंक होता है जो हमारा, उसमें जो पानी इकट्ठा है वो हमारा स्टॉक है, ठीक, उसको हम कभी भी चेक कर सकते हैं। मगर जो पानी जो है नल के थ्रू टैप के थ्रू जो बह रहा है आपके पास आ रहा है वो क्या है फ्लो है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच आता है। या जैसे दिल्ली से जो है चंडीगढ़ की जो दूरी है वो हमारा क्या स्टॉक है, वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड है। मगर जो उसके ऊपर जो कार चल रही है, जो उसकी स्पीड है वो क्या है हमारी फ्लो है, ठीक। तो जो उसके ऊपर जो कार चल रही है वो क्या है प्रवाह है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो दोनों वर्ड में अंतर समझ आ गया, स्टॉक का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, दोनों में अंतर भी समझ लेते यहीं से, स्टॉक की कोई समय अवधि नहीं होती, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 11:05 पे जो आपके पास पड़ा है वो क्या है स्टॉक है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, चेंज नहीं होगा वो। मगर जो फ्लो है वो क्या होगा चेंज होगा, इसका क्या होता है समय अवधि टाइम पीरियड होता है। दूसरा पॉइंट, फ्लो इफेक्ट स्टॉक, फ्लो जो होता है स्टॉक को प्रभावित करता है, जो प्रभाव होता है वो स्टॉक को प्रभावित करता है, और ऐसे ही स्टॉक क्या होता है फ्लो को क्या करता है प्रभावित करता है। वो कैसे करता है, अगर आप बैंक में 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो वो क्या है स्टॉक है, आपने कहा मेरे बैंक में 10,000 रुपये, अब जो एक पीरियड के बीच जो है उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ चार्जेस लेस हो रहे हैं, उसके बाद आपके पास 11,000 रुपये, तो वो भी क्या हमारा स्टॉक है, क्योंकि जब आपने चेक किया तब बैंक में एंट्री कराई तो वो क्या निकला हमारा स्टॉक है, इतने रुपए पड़े हुए। मगर वो 10,000 से और 11,000 के बीच में चेंज तो हुआ, तो चेंज जो हुआ है वो क्या हमारा फ्लो है प्रवाह। तो स्टॉक ही प्रवाह होता है, प्रवाह ही क्या होता है स्टॉक होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। हम समझते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। देखिए इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मनी मार्केट सेक्टर और हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मगर अभी हम उनको नहीं देख रहे, हम केवल दो सेक्टर देख रहे हैं, एक होता है उत्पादक क्षेत्र प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म कंपनी, और एक क्या होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब गृहस्थ। दोनों जो है आपस में लिंक्ड है, इनके बीच जो भी फ्लो हो रहा है उसी को हमने समझना है। प्रोड्यूसर क्या होता है, उत्पादक वो कौन होता है, वो एक इंडिविजुअली होता है, चाहे वो कंपनी खोले कुछ भी खोले, मगर उसको सब कुछ कहाँ से मिलता है हाउस होल्ड से। अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का मालिक है, वो कंपनी स्टार्ट कर रहा, तो उसको लेबर भी कहीं घर से आ रहे, मकान भी किसी से ले रहा हो, पैसे भी किसी से ले रहा है, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो सब कहाँ से आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर से। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा रियल फ्लो, रियल फ्लो को हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। इसका मतलब होता है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, अर्थव्यवस्था का जो विभिन्न क्षेत्र है उनके बीच जो भी वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज बह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं रियल फ्लो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक देता है, लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है, एंटरप्रेन्योरशिप देता है, मतलब है कि
प्रोड्यूसर को अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को अगर एक दुकान खोलनी है, तो उसके लिए सब कुछ उसे कहाँ से मिलता है? गृहस्थ से, हाउस होल्ड से मिलता है। क्या मिलता है? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, जमीन, जो उसमें काम करने वाले वर्कर है, सब कुछ जो है, श्रम वगैरह जो है, सब कुछ कहाँ से मिलता है उसको? हाउस होल्ड से मिलता है। ठीक, उसके बाद जो भी प्रोड्यूसर बनाता है, कोई भी वो गुड्स सर्विस कुछ भी बनाए, वो किसको दे देता है? फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं किसके लिए बनाता है? हाउस होल्ड के लिए बनाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र है, इकोनॉमी के जो दो सेक्टर है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, उत्पादक और गृहस्थ, इनके भी जो भी वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। इसमें मनी इंक्लूड नहीं है अभी, वस्तु और सेवाओं का। हमने वहाँ सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ भी दिया, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी, जमीन दी, श्रम दिया, कुछ भी दिया, उसके बाद उसने जो भी बनाया वस्तु और सेवा, वो क्या हो गई? हमको मिल गया। तो वो क्या हो गया? हमारा वास्तविक प्रवाह हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का मतलब होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह जो होता है हमारा, उसमें हम किसको देखते हैं? मनी को, कि मनी का क्या रोल है इसमें, मनी के थ्रू क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जो भी हमने प्रोड्यूसर से लिया है सामान, उसके बदले हम तो पे करेंगे उसको, तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मनी आ गया, पैसा आ गया इसमें, जो भी हमने उसको क्या लिया था, सामान लिया था, उसके बदले हमने खर्च क्या कर दिया? पैसे दे दिए उसको, वस्तु और सेवाओं पर व्यय कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक, अब जो है प्रोड्यूसर ने कमा लिया, अब वो क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट या जो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट के तौर पे, कारक भुगतान के तौर पे, जो कमाने के बदले जो है उसने, वो हमको दे देगा। क्या क्या दे देगा? हमने अगर लैंड दिया तो रेंट देगा, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा, वेजेस देगा, सैलरी देगा, सब कुछ किसको मिल गया? हाउस होल्ड को मिल गया। मतलब ये है कि अब मनी फ्लो को दोबारा समझते हैं। वास्तविक तो समझ गए कि हमने प्रोड्यूसर को क्या दिए? फैक्टर प्रोडक्शन दिए, उत्पादन के कारक दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ दिया, उसने जो बनाया हमें दे दिया। अब मनी वाले को समझते दोबारा कि जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज लिया, हम उसको बदले उसको पैसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो उत्पादक के लिए क्या बन गई? एक इनकम। और जो भी एक इनकम है, अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो 100 रुपये में से कुछ हिस्सा उसका किराए का जा रहा है, तो वो कौन कमाएगा? कोई हाउस होल्ड ही कमाएगा। कुछ इंटरेस्ट जा रहा है, लोन लिया था तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी हाउस होल्ड। कुछ वेजेस, मजदूरी, कुछ सैलरी, वो भी हाउस होल्ड कमाएंगे, गृहस्थ क्षेत्र। और जो बच गया वो उसका अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी किसका है? किसी आदमी का ही है, गृहस्थ का है, तो वो भी वो अपने घर लेके जाएगा। तो इन दोनों सेक्टर के बीच जो भी आपको मनी का फ्लो दिख रहा है, वो क्या है हमारा? मौद्रिक प्रवाह। मनी का फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। तो दो चीज़ें हो गई, वस्तु और सेवाओं पर व्यय, और दूसरा क्या, जो कारक भुगतान है, किराया, ब्याज, सैलरी वगैरह सब कुछ। ठीक, तो दोनों आपस में लिंक्ड है, वास्तविक प्रवाह भी और मौद्रिक प्रवाह। आई होप आपको इजिली समझ आ गया होगा जो भी आज हमने सीखा। इस वीडियो को अगर एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट निकलता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो न्यू यूज़र्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।